दोस्तों आज हमारे यहाँ भेज मोमो की तैयारी हो रही है बनने का, क्योंकि उसका सामग्री है ये पत्ता गोभी, बीन्स फली और गाजर को कद्दूकस किया जा रहा है। आगे की प्रोसेस दोस्तों मैं अभी दिखाऊंगा क्योंकि क्या क्या होता है। तो आज मोमोज को भी टेस्ट करके दिखाया जाएगा कि एक देहाती टाइप से मोमोज बनाने में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा से कद्दूकस हो रहा है, बहुत ही अच्छा, और छोटा छोटा इस फली को भी काटा गया है, आगे पत्ता को भी काटा जाएगा। तो देखते हैं आगे, उसके बाद हल्का मिर्च, हरी मिर्च काटा जा रहा है दोस्तों, और छोटा छोटा भी छोटा छोटा करके काटा जा रहा है। देखिए काटने की स्टाइल देखिए दोस्तों, इतनी फटाफट इतनी फटाफट तो मशीन भी नहीं काट पाता है। देखिए इतना छोटा छोटा काट रहे दोस्तों, इसको आगे देखते हैं, बहुत सुंदर बारीकी से काटा जा रहा है। दोस्तों मैं इसके लिए बता देता हूँ, ये नमक हो गया, ये अमूल बटर, उसके बाद साथ में अमूल पनीर फ्रेश जो कि ताज़ा लाया गया है, और एक है ब्लैक काली मिर्च पाउडर, उसके बाद साथ ही देखिए दोस्तों फिर अभी आपका पत्ता गोभी को भी कद्दूकस किया जाए दोस्तों। तो आगे की ओर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा दोस्तों, देखिए कढ़ाई को भी गर्म होने के लिए लगाया गया दोस्तों, इसमें लगेगा बटर, देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें बटर डाला जा रहा है दोस्तों, बटर के साथ बनेगा, बटर से बनाने से बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। तो बटर पिघल रहा है, ये देखिए दोस्तों इतना सुंदर कद्दूकस किया गया है, दिखने में इतना सुंदर बनेगा तो और मजा आएगा। देखिए दोस्तों ये अभी बीन्स फली को बटर के साथ भुना जा रहा है, मिर्चा डाला गया दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, हरा हरा, इसको हल्का फ्लेम में इसको भुना जाएगा दोस्तों, रखा है गाजर और पत्ता गोभी, इसको निचोड़ के इसकी पूरी पानी को बाहर करते हैं दोस्तों, पूरे पानी को बाहर करके फिर बटर के साथ इनको भुना जाए। देखिए दोस्तों उसको भी निचोड़ करके पानी निकाल करके उसको बटर के साथ भुना जाए दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा दोस्तों, देखिए वाह, मिक्सिंग हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ फिर पनीर मिक्स होगा दोस्तों, वेज मोमोज बन रहा है, पनीर मिक्स होगा, तो खाने में टेस्टी लगता है दोस्तों वेज मोमोज का, जो पनीर मिक्स हो जाने के बाद जो है मजा आपको आएगा बनने के बाद दिखाएंगे दोस्तों। देखिए क्या मिक्सिंग है दोस्तों, दिखने में क्या फ्लेवर आ रहा है, वाह। तो दूसरा फ्लेम में देखिए पानी गर्म करने के लिए इसमें टमाटर बॉईल हो रहा है दोस्तों, इसमें चटनी बनेगी, टमाटर सूखा मिर्च लाल डाल दिया गया दोस्तों चटनी के लिए, ये माल भी तैयार हो जाएगा, उसके बाद वो मसाला भी तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो आपको मैं पूरी तरह जो प्रोसीजर है बनाने का वो पूरी प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए बहुत ही सुंदर इधर फ्राई होने लगा है, इसके साथ साथ जो जो आइटम डाला जाएगा दोस्तों मैं आपको बताते रहूँगा कि क्या डाल रहे हैं। अच्छा ये काली मिर्च पाउडर डाला जा रहा है, देखिए दोस्तों स्वाद अनुसार इनको डाला जाएगा,
उसके बाद स्वाद अनुसार नमक नमक डाला जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, उसके साथ अभी मिक्स हो रहा है पनीर। पनीर को कद्दूकस करके लगाया जा रहा है, जो कि मोमोज को, वेज मोमोज को टेस्टी बनाने में बहुत ही अहम भूमिका रहता है। बहुत ही सुंदर फ्लेवर दिखाई दे रहा है। ये अभी फ्राई होगा इसके साथ। दोस्तों ये मसाला जो है मोमोज का, ये मसाला रेडी हो चुका है। आप लगेगी इनके लिए गोलियां, लई बनाया जाएगा मैदा ही। दोस्तों देखिए कितना फ्लेवर लग रहा है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखिए ये चटनी के लिए टमाटर और मिर्च का, मिर्च को बॉईल किया जा रहा है। ये भी लमसम अब तैयार होने के कगार पे है। दोस्तों मोमोज के लिए अभी मैदा गूंदा जाएगा, जो कि इस पे 2 कप मैदा लिया गया है। उसके बाद 1 चम्मच काला मिर्च पाउडर डाला जा रहा है। दोस्तों इसका मिक्सिंग करके उसके बाद स्वाद अनुसार नमक। ये दोस्तों इसको मिक्स किया जा रहा है अभी, मैदा गूंद के उसके बाद लई बना के इसके अंदर इस मसाला को डाला जाएगा। दोस्तों जो कि मसाला बन के तैयार है, अब लई बन रहा है। दोस्तों ये दोस्तों मैदा लई बन के तैयार हो गया। अब इसका एक गुल्ली बनाया जाएगा मसाला भरने के लिए। दोस्तों ये टमाटर चटनी बनने के लिए बहुत ही लजीज टाइप से तैयार हो गया है। इसमें बॉईल किया गया है लाल मिर्च सूखा और टमाटर, ये भी रेडी हो गया। दोस्तों मोमोज कुकर में दोस्तों अभी पानी डाला गया है नीचे, उसके बाद उसके ऊपर सांचा है, इसके ऊपर हल्का सा तेल डाला जाएगा रिफाइन ऑयल, जो कि इसके ऊपर ही वो लगा दिया जाएगा गोली को। दोस्तों ये लई को गोली बनाया जा रहा है, इतनी बड़े बड़े में बनाना है। दोस्तों अब ले जा रहा है इसको मसाला भरने के लिए। ये दोस्तों देखिए इसमें भरा जा रहा है मसाला, ये अच्छी तरह से इसको सीजनिंग किया जा रहा है। के बाद इस कुकर पे लगा दिया गया है। दोस्तों कितनी अच्छी सुंदर से इसका डिजाइन किया गया है। दोस्तों कुकर में पूरी तरह से इसको सजा के रख दिया गया है। देखते हैं इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, उसके बाद काम आगे खाने के लिए तैयार हो जाएगा। वाओ देखिए दोस्तों चटनी जो है इतनी अच्छी लग रही है, मिक्स हो गई है पूरी, बहुत ही सुंदर बहुत ही। दोस्तों इसमें स्वाद अनुसार आपको नमक डालना है और थोड़ी सी सरसों का तेल। दोस्तों इसमें स्वाद के लिए इसमें नींबू का रस थोड़ा डाला जाए। दोस्तों ये बनके तैयार है मोमोज। देखिए दोस्तों बहुत ही लजीज दिख रहा है, इसके साथ चटनी भी तैयार है।